त्रिपुरा में सत्तारूढ़ बीजेपी के विधायक जदबलाल देवनाथ विधानसभा सत्र के दौरान अपने मोबाइल फोन पर अश्लील वीडियो देखते कैमरे में कैद हो गए। बीजेपी त्रिपुरा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य ने बताया कि पार्टी जल्द ही उन्हें नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगेगी। दरअसल विधानसभा सत्र के दौरान नाथ का एक वीडियो देखते हुए सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसकी तीखी आलोचना की जा रही है और विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। उधर बीजेपी विधायक जदबलाल देवनाथ ने आरोपों से इनकार किया। उन्होंने कहा कि मैं विधानसभा अध्यक्ष बिस्वा बंधु सेन और राज्य पार्टी अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य से बात करूंगा और फिर मैं अगला कदम उठाऊंगा। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि सदन में मोबाइल फोन का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। बार बार फोन आ रहे थे, मैंने फोन उठाया तो अश्लील वीडियो दिखने लगे, फिर मैंने इसे बंद कर दिया। वहीं विपक्ष के नेता अनिमेश देव वर्मा ने कहा कि सभी विधायक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। इस तरह के घटनाक्रमों पर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। माकपा और कांग्रेस ने भी नाथ की आलोचना की और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। वहीं कांग्रेस नेता बृजित सिन्हा ने कहा कि विधानसभा के अंदर मोबाइल फोन का संचालन प्रतिबंधित है, हम सभी को सदन की कार्यवाही और कामकाज पर ध्यान देना चाहिए। इसके बावजूद नाथ ने सदन की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला अश्लील वीडियो देखा। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी में थोड़ी सी भी नैतिकता है तो उसे नाथ के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बहरहाल त्रिपुरा विधानसभा अध्यक्ष विश्व बंधु सेन ने कहा है कि उन्हें अभी इस मुद्दे पर कोई शिकायत नहीं मिली है। मैं सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर कार्रवाई नहीं कर सकता। अगर कोई शिकायत दर्ज की जाती है तो मैं जांच शुरू करूंगा और उचित कार्रवाई करूंगा। I can't pass any comment if I don't get any written complaint from any side, either political side or any people's or any public.